शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाप और तोल में कमी करने वालों के लिए खराबी है। जो लोगों से नाप कर लें तो पूरा लें और जब उनको नाप कर या तोल कर दें तो कम दें। क्या ये लोग ये नहीं ख्याल करते कि उठाए भी जाएंगे, यानी एक बड़े सख्त दिन में जिस दिन तमाम लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। सुन रखो कि बदकारों के आमाल नामे सिज्जीन में होंगे। और तुम क्या जानते हो कि सिज्जीन क्या चीज है? एक दफ्तर है लिखा हुआ, उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है, यानी जो इंसाफ के दिन को झुटलाती हैं, और उसको झुटलाता वही है जो हद से निकल जाने वाला गुनाहगार है। जब उसको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो पहले लोगों के अफसाने हैं। हरगिज नहीं, बात यह है कि ये जो आमाले बद करते हैं उनका इनके दिलों पर जंग बैठ गया है। बेशक ये लोग उस रोज अपने परवरदिगार के दीदार से ओट में होंगे, फिर ये लोग यकीनन दोजख में जा दाखिल होंगे। फिर इनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज है जिसको तुम झुटलाते थे। ये भी सुन रखो कि नेकुकारों के आमाल नामे इल्लीयीन में होंगे। तुमको क्या मालूम कि इल्लीयीन क्या चीज है? एक दफ्तर है लिखा हुआ जिसके पास मुकर्रब फरिश्ते हाजिर होती हैं। बेशक नेक लोग नेमतों में होंगे, तख्तों पर बैठे हुए नजारे करेंगे, तुम उनके चेहरों ही से नेमत की ताजगी मालूम कर लोगे। उनको शराब खालिस सरब मुहर पिलाई जाएगी जिसकी मुहर मुश्क की होगी। तो नेमतों के लिए रीस करने वालों को चाहिए कि इसी की रीस करें और उसमें आबे तस्नीम की आमेजिश होगी। वो एक चश्मा है जिसमें से अल्लाह के मुकर्रब पिएंगे। जो गुनाहगार यानी कुफार हैं वो दुनिया में मोमिनों से हंसी किया करते थे और जब उनके पास से गुजरते तो हकारत से इशारे करते और जब अपने घर को लौटते तो इतराते हुए लौटते और जब उनको यानी मोमिनों को देखते तो कहते कि ये तो गुमराह हैं। हालांकि वो यानी काफिर उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए थे। तो आज मोमिन काफिरों से हंसी करेंगे कि मसनदों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे होंगे। आज काफिरों को उनके कामों का पूरा पूरा बदला मिल गया ना।